चिट्ठी के अक्षर, अब चिट्ठी के अक्षर जो पाठ पढ़ाए थे ये सबको समझ में आ गया था, ये यस सबको मैम। समझ में आ गया था। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा है, इस पाठ में किस किस विषय पे हमने पढ़ाई किया है, इस पाठ में हमने किस विषय पे पढ़ाई किया है, अक्षरों के ऊपर है ना। हमने अक्षरों के ऊपर पढ़ाई किया है कि एक आदमी, एक ऐसा आदमी जो आर्मी में काम करता है और किसी दुर्घटना कारणवश उसका एक हाथ जो है वो कट जाता है, उखड़ जाता है, और अपने बाएं हाथ से वो अपने मेहनत पे अपने मेहनत के बल पर, अपने हिम्मत और धैर्य के बल पर वो इतना अपनी लिखावट में सुधार लाता है कि पहले जो अक्षर दूर दूर लिखे जाते थे, बड़े बड़े होते थे, सुंदर नहीं होते थे, अंत में उसके अक्षर इतने सुंदर बनने लगे कि जो संपादक, जिसके पास वो पत्र भेजता था, वो संपादक भी उसके पत्र को देखकर उसके पत्र की ओर मोहित हो गया। इतने सारे पत्र आए थे उसके पास, बस वो ये जो है इनके अक्षर को देखकर इनके से एक रिश्ता सा इनका बनता चला गया, और सारे पत्र पत्र में से ये इनके पत्र का जवाब हमेशा देना शुरू कर दिए। यही हमने पढ़ा था पाठ में, ठीक है। अब क्या है इसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर है अभ्यास में, जिसको आज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चिट्ठी के नीचे संपादक का हस्ताक्षर था। हस्ताक्षर मतलब मैंने आपको बताया जो हम अपने नाम साइन करते हैं। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी, मेरे मुंह से अनायास, अनायास का अर्थ क्या बताया था मैंने, अनायास का क्या अर्थ होता है ध्रुव, अनायास का अर्थ होता है अपने आप। तो जहां पे मैं अर्थ बताती हूँ वहां पे अर्थ लिख लिया कीजिए। अनायास का मतलब होता है अपने आप ही निकल पड़ा, वाह सुन बड़ी सुंदर लिखावट है, आप तो मेरे मन की बात भाप गए। अब यहाँ पे देखो कुछ शब्द ऐसे हैं, उन शब्दों पे घेरा आप लगा सकते हैं, उसे नीचे लिखना भी है। ये जो मैंने, और एक और चीज ये बात में बताने से पहले, ये जो वाह के नीचे, वाह के सामने ऐसे जो चिन्ह है, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए अब है इसमें से हमें पढ़ना क्या है कि पूछ जो इसमें दिया गया कि अब प्रश्न क्या है इसमें से, इसे मिलता जुलता ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन वाक्यों में से उन शब्दों को छांटना है जिनके ऊपर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। अब ये देखते होंगे कि किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरीके से बिंदु लगा रहता है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, और किसी अक्षर के ऊपर ऐसे ये चंद्र बिंदु लगा रहता है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुस्वार, और इस चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुनासिक। ये बगल में आप लिख लीजिए, अब बगल में जो जगह है किताब में वो लिख लीजिए, बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुस्वार, और चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, अनुनासिक। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक के ऊपर ही हमें ये पूरा पाठ जो है वो उसके प्रश्न उत्तर हमें बनाने हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार किसे कहते हैं बिंदु को, और अनुनासिक किसे कहते हैं चंद्र बिंदु को, ठीक है। सब लिख रहे हो है ना, सबका वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो चंद्र बिंदु जो है वो अनुनासिक कहा जाता है, पर ऐसे हम इसे बोलचाल की भाषा में हम कह देते कि चंद्र बिंदु लगा है या बिंदु लगा है, पर व्याकरण में इनके नाम है, उनके क्या नाम है, अनुस्वार और अनुनासिक। ये समझ में आ गया सबको, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, बिंदु वाले शब्द, अब नीचे हमें बिंदु वाले शब्द छांटने के लिखने, ऊपर जो वाक्य दिया गया है उनमें से, और चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट के लिखने। पहले आप लिख लीजिए फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन से थे। अब छांट के मैम लिखिए ऊपर लिखी वाक्य, लिख लिए हो, वेरी गुड। तो है। यस पहला मैम। क्या हो मैम जाएगा, पहला क्या होगा, संपादक, मैम संपादक, संपादक, मैम बहुत सही, संपादक, और मैम कौन संपादक, सुंदर, मैम सुंदर, सुंदर,
और अनुनासिक में विचंद्र बिंदु वाले में मुंह मैं मुंह और भाप मुंह है ना, ये बिंदु वाले शब्द हैं और ये कैसे वाले शब्द हैं, चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो मैंने बिंदु वाले शब्द को क्या बताया है, मैंने बिंदु वाले शब्द को क्या अनुस्वार बताया, अनु अनुस्वार स्वार। हाँ अनुस्वार। प्रणव अपना वीडियो ऑन करो। तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द को मैंने क्या कहा है, चंद्र बिंदु अनुनासिक को अनुनासिक। यहां तक सबका बन गया, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक समझने में? आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए यहां तक सबका बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बना लिया और चीजें हमें समझ में भी आ गई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अब बिंदु वाले शब्द जो है, ठीक है। मैम अभ्यास हाँ, तो अभ्यास पढ़ा रही हूँ मैं, तो लिखा हुआ है अभ्यास। अगर आप देखो अभ्यास अगर आपको लेसन 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी यस मैम, आई हो क्लास में, कोई यस मैम, सॉरी मैम, आई एम गोटिंग लेट। बात नहीं। चलिए अब क्या है, अनुस्वार जो है ना, सॉरी अनुनासिक जो है, अनुस्वार और में क्या होता है कि आप, हाँ होमवर्क दी थी वो मैं क्लास में आपका चेक कर लूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए उसको लेके। अनुस्वार जो होता है ना उसका आवाज जो होता है वो मुख से निकलता है, और अनुनासिक का किससे निकलता है, नाक और मुंह दोनों से, है ना, किससे, दोनों से। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, इसमें नाक से कर दो, सॉरी बिंदु वाले का नाक से होगा। अनुस्वार किसका उच्चारण कहाँ से होता है, मैंने शायद अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, सिर्फ नाक से। अपने नाक पे हाथ रखिए, अपने यस नाक पे हाथ रखिए सब। मैम, संपादक, देखिए नाक से जो ध्वनि है वो सुनाई देगी, ठीक है। और अच्छा, अनुनासिक जो होता है जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, उसका जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है। अब तो बोल के देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है, ये हमें बताना है। तो अभी मैंने बताया कि अनुस्वार का कहाँ से निकलेगा, सिर्फ नाक से, ठीक है, और अनुनासिक का कहाँ से निकलेगा, मुंह और नाक दोनों से, मुंह और नाक दोनों से। सब टिक लगाइए वहां पे, सही का निशान लगाइए, यस लगा मैम, लिया यस सब, ठीक है। मैम, अब है वर्णमाला को पूरा कीजिए। अब ये तो आप लोग पे मैं विश्वास कर सकती हूँ कि आपको ख ख घ सबको आता है, आता है कि नहीं आता है, यस मैम। मैम आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? यस मैम, क्वेश्चन मैम नंबर फोर क्वेश्चन जल्दी, नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में नाक से जो है उस पर टिक लगाइए, और क्वेश्चन नंबर 3 में होगा मुंह एवं नाक दोनों से, ठीक है। अब क्वेश्चन यस कोड को जल्दी से खुद से बनाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, और वो बना के हैंड राइज करेगा, हाथ उठाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क ख ग घ लिखने के लिए जो आप बचपन में एलकेजी और नर्सरी में बहुत लिखे हैं, पहली बार लिखते समय पिटाए भी होंगे और फिर लिखते लिखते आप अब बहुत अच्छे से सुंदर लिखावट में लिख लेते हैं। क ख ग घ के बाद अड़ा याद, हाँ याद है, जल्दी से इसे लिखिए, ये आपको खुद से लिखने हैं, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले नमन ने लिखा है, तो नमन आप मुझे दिख ही नहीं रहे तो मैं आपको अनम्यूट भी नहीं कर सकती ना, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ नमन, आपने लिख लिया, अपनी बुक को कैमरा के तरफ से दिखाइए, आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ देखे, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, नमन का सबसे पहले हुआ है। देखिए नमन क्लास में पीछे बैठता है पर आज ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले उसने आंसर बनाया है। तान्या, तान्या का भी हो गया, सेकंड तान्या ने बनाया है, ठीक है। और थर्ड
ख ख लिखने में आपको इतना वक्त लगेगा तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना? आपको जल्दी जल्दी लिखना ये सब, क्योंकि ये तो हमेशा हमें याद रहते। ए बी सी डी लिखने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ए बी सी डी तो अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो फिर वर्ड्स लिखने में कितने टाइम लगेंगे, तो ख ख ग लिखने में समय लग रहा है तो शब्द लिखने में कितने वक्त लगेगा। हो गया हो गया। तीसरा किसका हुआ? मणि नाली मैम, का। मेरा हो गया मैम, अच्छा मेरा भी ठीक, हो गया मैम चलो मेरा बहुत भी अच्छी हो बात है। गया। अच्छा बस 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 बस, अब मेरा मेरा मत करो, सबका हो गया। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखेंगे, उसे ना सिर्फ समझना है, मैं समझा दे रही हूँ, आप ध्यान दीजिए और समझ जाएंगे उसे, उसमें कुछ लिखना नहीं है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, है ना? अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अपनी किताब भी देख सकते हो, बोर्ड पे भी देख सकते हो, दोनों जगह अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बगल में क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, ये दिखाई दे रहा है सबको? ठीक यस मैम, यस है। यस उसके बाद मैम। एक और देखते हैं, शब्द, सारे शब्द को नहीं देखने की जरूरत है, बस एक तो देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा। अच्छा ब्रो, आप बताइए मुझे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है और इसमें क्या अंतर है? पहला जो दो अक्षर मैंने बगल में लिखा है सामने सामने, उसमें दोनों में क्या अंतर है, ये देख के बताइए मुझे। फर्स्ट वाला अंक में मैम ऊपर में बिंदु नहीं दिया मैम, बगल में अंग लिखा हुआ है, और मैम सेकंड वाले में अड़ा ऊपर में अंक लिखा अनुस्वार दिया हुआ है। है, हाँ, और ये जो अड़ा अंगा है ना, इसके लिए ये यस बिंदु आया है, ठीक है? वैसे ही यस सेकंड में मैम। बताइए, सेकंड में क्या अंतर है? मैम सेकंड में आधा आधा ना की जगह में ऊपर मैं अनुस्वार बिंदु दे अनुस्वार दिया है। है। अब देखिए, ये अनुस्वार अभी यहाँ पे ना था और यहाँ पे ना नहीं है, तो ये ना किसके बदले आया, ये अनुस्वार किसके बदले आया है? ना के बदले। ये मैं अनुस्वार किसके ना बदले के आया है? बदले, बदले। अच्छा, ना के बदले। एक और शब्द देखिए, पम्प ऐसे भी लिखा है, पम्प ऐसे भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब यहाँ पे यस मैम ये जो अनुस्वार आया है वो किसके बदले आया है? मैम, माँ के बदले आया है। अब एक चीज देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे आपने अभी, मैं यहाँ लिखूँ, दिखाई देगा सबको? यस हाँ, मैम। छोटा छोटा लिखिए, प प ब भ और म, ये 5 आपने लिखा है अभी एक साथ, लिखा था एक लाइन में, लिखा है मैम। प प भ म, तो ये प क्या हो जाएगा, फर्स्ट, भ क्या हो जाएगा, सेकंड, ब क्या हो जाएगा, थ्री नंबर पे, भ हो जाएगा फोर, और म हो जाएगा 5 नंबर पे, प फ ब भ म, ठीक है? अब समझ में आया? अब आप भी अपने बुक में, यस अब आप देखोगे कि प अगर फर्स्ट है तो उसका फिफ्थ नंबर पे, उस वर्ग में, उस लाइन में फिफ्थ नंबर पे क्या है, उस वर्ग में फिफ्थ नंबर पे क्या है, म, मैम। उस वर्ग नंबर पे क्या है, म है। वैसे ही त में क्या है, त में पांचवा, त में पांचवा वर्ग, पांचवा व्यंजन कौन सा है, ना, कौन सा है, ना, तो ना यहाँ ये ना और म के यस जगह पे अनुस्वार आ रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही चीजें, किसके किसके लिए अनुस्वार आता है, हर वर्ग का जो व्यंजन में 5 वर्ग है, क से लेके प, क च ट त और प, ये 5 वर्ग में जो अंतिम व्यंजन है, जो पांचवा व्यंजन है, उसके लिए अनुस्वार आता है। अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि अनुस्वार किसके लिए आता है, तो आप क्या बोलोगे, हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन में 5 वर्ग हैं, उन पांचों वर्ग के 5वें अक्षर के लिए अनुस्वार लिखा जाता है। समझ में आ गई चीजें? यस आ गई मैम। समझ? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, व्यंजन में 5 वर्ग हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5,
हाँ, ये पांचों वर्ग के पांचवें अव्यंजन के लिए अनुस्वार का इस्तेमाल होता है। मृणाली समझ में आ रहा है? अनुस्वार का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? हर वर्ग के पांचवें, अपनी उंगली निकालिए और इस तरह से ध्यान लगा लीजिए कि हर वर्ग के पांचवें व्यंजन के लिए अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं। अनुस्वार बिंदु ऐसे होता है ना, हर वर्ग के पांचवें व्यंजन के लिए अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए यस अब मैम। है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। अब समझना है ध्यान से, चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? कौन सा है चंदा वर्ग में आधा वर्ण? क्या च है, क्या न? ना न है, आधा न है मैम, ना आधा है। तो लिखिए, न क्या है? आधा है। उसे लिखिए, न लिखिए, वहां पे बगल में जो जगह दी हुई है न लिखिए। यस लिख लिया सबने? मैम। अब है यहाँ पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? यहाँ पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? ये कौन से वर्ग में आएगा? त वर्ग में। कौन से वर्ग में आएगा? त वर्ग में। अभी हमने लिखा ना, अभी देखो, हाँ अभी हमने लिखा था ऐसे, त थ द ध और न, ये आया ना। देखो त वर्ग में आया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ना फिफ्थ नंबर पे आया कि नहीं आया? तो यस मैम। त वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? ना है। ठीक है, बात यस मैम। समझ में आ रहा है प्रशांत प्रणव? चलिए अब आगे है, पेज पलटिए। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा बनाया? पांचवा वर्ण क्या था हमारा? ना था। तो ना के बाद छठा शब्द में कौन सा व्यंजन आया है बताइए जल्दी से। ना के बाद क्या लिखा हुआ है? ड। ना के बाद क्या लिखा हुआ है? ना के बाद क्या लिखा है? चंदा में ड, चंदा ऐसे। तो ना वर्ग के बाद तब उसके बाद है पांचवे वर्ण के बाद पहला वर्ण किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है? त भी किस में आता है? देखिए इधर, त भी किस में आता है? त वर्ग में। द भी किस में, सॉरी, द भी किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। यहाँ पे त लिखिए। लिख लिया सबने? क्या पांचवे वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग का है? तो हाँ, न भी और द भी दोनों किस में आता है? त में ही आता है। न और द किस में आता है? न और द किस में आता है? त में, है ना। त से क्या होता है? बचपन में आप सब ने पढ़ा हो ना, त से क्या होता है? त से तरबूज। यस मैम। अच्छा, तो मैं बताऊंगी तो आप सिर्फ बोलेंगे यस मैम, आप खुद से नहीं बताएंगे। त से तरबूज, और त से तबला भी होता है जो सर पे भी बजता है, तिरंगा, तिरंगा और ताजमहल। कौन कौन, किस किसने ताजमहल घूमा है? ताजमहल देखा है आप सबने? नो मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात। अब आगे लिखिए, क्या हाँ हो जाएगा। उसके बाद च में लिखिए, चंदा शब्द में पांचवे वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग है? बिंदु किसके लिए आता है? अभी मैंने तुरंत अनुस्वार बताया है, अनुस्वार के लिए। अनुस्वार लिखिए। होगा, ग में होगा, घ में त होगा, उसके बाद हां होगा, उसके बाद अनुस्वार होगा, और अंत में होगा क्या? चंदा शब्द के पांचवे वर्ण में अ है, नहीं तो अ तो नहीं है, तो नहीं हो जाएगा, नहीं लिखिए। ठीक है, यहां तक मैम, हो गया। रिपीट रिपीट। देखिए, मैं ना होगा, तो सबसे पहला ना, ना फिर त, इस तरीके से लिख दे रही हूँ मैं। ना ना सेकंड में त, शायद आप लोग का थ्री में हो जाएगा। द
उसके बाद हो जाएगा फोर में द, उसके बाद त, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हाँ, और फिर सिक्स नंबर पे अनुस्वार, फिर नहीं, अनुस्वार, और सेवन पे नहीं। नहीं हाँ नहीं, फोर पे त है और थ्री नंबर पे था द। हो गया, यहां तक सबका हो गया है। लिख लीजिए आप लोग, आराम से लिख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है? ठीक डन मैम। गुड। यहां तक सबका हो गया। सेकंड चैप्टर हो गया। सेकेंड चैप्टर नहीं, सेकेंड अभी सेकेंड चैप्टर बाकी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बीच में जो व्यंजन है उनके बदले हमें अनुस्वार लगाना है। अब कैसे लगाना है? क में हो जाएगा रंग, क में मैं का करके बता रही हूँ, फिर बाकी सब आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है? पहले मैं खुद से करके दिखा रही हूँ। अब देखो, र लिखा है ना, इस तरीके से लिखा है, और ग लिखा है, तो ये क्या बनेगा? रंग। क्या बनेगा? रंग। रंग मैम, हाँ खाने रंग मंजन बना। हो। हाँ एक एक करके बना रहे हैं, रुक जाइए। एक मैम बना लिए। ये देखिए, ये समझ में आ गया था ना सबको? अब है रंग के बाद पहला हो जाएगा रंग, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? रंग, रंग ख के बाद ख पे क्या होगा? ख पे मंजन, जो मंजन 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 मैम, करते हैं उसको, मंजन कौन झंडा। सा मंजन नहीं करता? मैम ख पे झंडा, झंडा, मैम डंडा, डंडा फिर डंडा पढ़ने मैम लगेगा, गलत डंडा पढ़ता फिर। उसके बाद हो जाएगा घ अंत, पे मैम अन, अंत, है ना? उसके बाद अन के मैम बाद क्या अंत, होता है? कंपन। मैम कंपन, कंपन कंपन, मतलब क्या होता है? कापना। कंपना, वेरी गुड। उसके बाद है दिनांक। दिनांक, 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 मैम दिनांक मतलब तारीख, तारीख। डेट, देखिए पंचम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना पहले कि दिनांक, दिनांक मैंने क्या लिखा है? यस आज का डेट, तारीख मैम, होती यस है मैम, उसके। मैम पंचम, पंचम। मैम पंचम पंचम, मैम पंचम के पंडित, बाद क्या पंडित, होता है? पंडित। पंडित, पंडित क्या करता है? पूजा। मैम पूजा, पूजा, मैम पूजा, पूजा। गंदा, उसके बाद गंदा। क्या गंदा, बोल रहे हैं? मैम हमारे अंदर फिर गंदे बच्चे हैं। मैम अंबर, मैम अंबर, अंबर। चलिए अब उसके बाद है अंबर। अंबर किसको कहा अंबर, जाता है? अंबर मैम किसको कहा जाता आकाश, है? आकाश। अंबर और कपड़ा को भी कहा जाता है, जो आप कपड़ा पहने हैं ना उसे भी अंबर कहा जाता है। यस देखो मैम, कृष्ण नाम से कहा जाता है कि कृष्ण कैसे कपड़े धारण करते हैं, तो पीतांबर, तो अंबर सुनाई दिया, तो यानी पीला। यस तो मैम, अंबर को और क्या कहते हैं? कपड़ा। बगल में लिख सकते हैं आप कि कपड़ा, अंबर, हाँ आसमान को भी अंबर कहते हैं और कपड़ा को भी अंबर कहते हैं, है ना? ऊपर देव लिख लीजिए सर, एकदम साफ साफ सुंदर अक्षर। एट नंबर हाँ क्वेश्चन भी कर लिए मैम, 8 नंबर वाह, क्वेश्चन कौन कर लिया? मैम, पूरा एट सेकंड नंबर चैप्टर हो क्या गया, होगा? 8 में क्या होगा? गंदा। और ख में क्या होगा? चिंता, चिंता। चिंता, चिंता। क्या हमें चिंता करना चाहिए? चिंता करना अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात, अच्छी बात है चिंता करना।
बुरी बात हो, काम करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता करने से तो स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है ना। तो मैम। यस मैम। चलिए तो वाक्य प्रयोग कीजिए, गंदा से क्या होगा, गंदा का वाक्य प्रयोग कीजिए। गंदा बच्चा है। वह गंदा बच्चा है। अच्छा कोई अपने बारे में नहीं लिखा कि मैं गंदा बच्चा हूँ, कोई नहीं लिखा था वह गंदा बच्चा। और ये वह कौन है, मैम प्रणव गंदा नाम बहुत गंदा बच्चा है। मैं दूसरे का नाम कोई नहीं लिखेगा, फिर मैं सबका नाम लिख दूंगी, कोई नाम नहीं लिखेगा दूसरे का। प्रणव अच्छा बच्चा है। और उसके बाद है ख में चिंता, चिंता का वाक्य क्या होगा, चिंता किसका, राम को का उसके परीक्षा से परीक्षा की चिंता थी। राम को उसकी परीक्षा की चिंता है। हाँ ये भी लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो चिंता करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चा। Done, ma'am. हाँ चलिए, नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखे। अब आप बोलोगे कि मैम मानक क्या होते यही नहीं पता, फिर लिखें कैसे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कितने लोग बोलेंगे। यस मानक मतलब होता है जिसे मान्यता प्राप्त हो, जिसे मान्यता प्राप्त हो। व्याकरण शास्त्र में जिन शब्दों को अधिक हक दे दिया है, अधिकार दे दिया, यहाँ इसको ऐसे ही लिखना है, उसे हम क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। क्या कहते मानक हैं, मानक रूप। रूप। हाँ आप हिंदी में बहुत बार लिखते हो तो शब्द की मात्राओं की वजह से गलत होता है, पर आपको लगता है कि इधर से ई की मात्रा लिखें या उधर से लिखें, एक ही मतलब है, आवाज तो पर अंतर होता है। हमें ऐसा नहीं समझ में आता क्योंकि हमें उस समय समझ नहीं होती इन चीजों की। तो उसे व्याकरण शास्त्रियों ने कुछ नियम बना दिए कि इनको ऐसे ही लिखा जाएगा, इन शब्दों को लिखने का तरीका यही होगा, इसी को मानक रूप कहा जाता है। ठीक है, अब पहला चित्र किसका बना हुआ है, पहला पंखा, पंखा पंखा, मैम, ये पंखा अब तो कम देखने को मिलता है पहले, फिर भी सबके घर में होगा ही, गर्मी में यस करते हैं। मैम दूसरा मंदिर। मैम मंदिर। ध्रुव ने कहा कि मैम मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये फैन भी हाथ नहीं चलाती, ये पंखे से ही करता है ना ध्रुव। नहीं, पंख पहला क्या हो जाएगा, पंखा। पंखा हाँ दूसरा क्या हो मंदिर। जाएगा, मंदिर। हम मंदिर में क्यों जाते हैं, मैम पूजा करने, और अपने हिम्मत को भगवान से फिर से मांगने के लिए, जो होता हमारे यस अंदर ही है, पर हम भगवान के पास जाते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे अंदर वो शक्ति है। अच्छा हनुमान जी के बारे में कितने लोग जानते हैं, सब जानते हैं। उनमें उनमें यस पता है मैम। क्या है कि उनमें इतनी शक्ति थी, पर उनको ही नहीं पता था कि उनमें कितनी शक्ति है, तो उनकी यस शक्ति को याद करवाया गया तो उन्हें अपनी शक्ति मैम, पता चल नेटवर्क गई। इशू हो रहा है। हाँ वो थोड़ा आप में हो बेटा, मेरे में तो नहीं हो रहा। तो आप लोग में भी वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं, पर आपको अपनी शक्ति के बारे में अभी पता नहीं है ना। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हनुमान जी की तरह उड़ने लगेंगे, ये नहीं होगा, बस ये नहीं होगा, बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये नहीं कहना कि मैम ने कहा है तो अब हनुमान जी की तरह हम उड़ने लगेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, बंदर। दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा नीला। दूसरा मैम होगा बंदर। बंदर। बंदर किसको कहते हैं, जो एक पेड़ पेड़ से दूसरे पे को झंगुर जाता है ना। फिर इंजन। हाँ तो आप लोगों को आपकी मम्मी पापा कभी कहते हैं क्या कि बंदर की बात करता है, नहीं कहते ना आप लोग, अच्छे नहीं। अब है इंजन, घर क्या यस है, मैम, इंजन इंजन। इंजन। आप सबने रेल की यात्रा तो की होगी, अब यस उसमें लगा हो यस तो मैम। रेल बिना सुन के चल सकता है, नो मैम, नो मैम। नो मैम।
उसके बाद मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? घंटी है ना, और 15 रुपए का क्या मिलता है? तिरंगा तिरंगा लिखो क्या हमारे देश का ही हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा पंग। यस मैम हो गया। I have done, ma'am. अच्छा, अब हम आगे बढ़ने से अच्छा है हम एक बार जो आज हमने पढ़ा वो उसको दिमाग में बैठा लें, है ना, जरूरी है ना। तो yes, हमने आज किस दो विषय में पढ़ा है? अनुस्वार और अनुनासिक। पहला चीज हमने क्या पढ़ा? बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक। उसके बाद हमने क्या सीखा कि जो अनुस्वार होता है बिंदु होता है उसका उच्चारण किससे करते हैं? उसका उच्चारण नाक से। उसका उच्चारण किससे करते हैं? नाक से। नाक से। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु कहाँ से निकलता है? मुंह एवं नाक दोनों से। दोनों से निकलेगा और नाक से भी, एक साथ दोनों से निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक सीख लिया? हमने क ख ग घ भी रिवाइज कर लिया जो हमने बचपन में पढ़ा था। उसके बाद हमें एक और बात क्या बात पता चली, सब म्यूट के लिए जिनके घर आवाज आ रही। हाँ, चौथे नंबर पे हमने क्या सीखा कि जो हर वर्ग का, मैंने अभी ऐसे करके बताया था, हर वर्ग का पांचवा जो व्यंजन होता है उसके लिए हम अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं। हर वर्ग का पांचवा व्यंजन जो होता है उसी के लिए हम अनुस्वार इस्तेमाल करते हैं। तो कल को कोई आपसे पूछता है कि अनुस्वार का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है तो आप क्या कहोगे कि हर वर्ग के पांचवे नंबर का व्यंजन के अनुसार हम अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ करते हैं, समझ में आ गया? ये yes, में yes, में आ गया, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, yes, ma'am. दूसरा हमने लिखा सीखा कि जो अनुस्वार को अगर व्यंजन के साथ लिखे तो वो मानक रूप में है, अनुस्वार को हमेशा बिंदु के रूप में ही लिखना है। अगर अनुस्वार वाले जो शब्द हैं अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो गंदा, गंदा मानक रूप में ही है, ये गंदा क्या है? मानक रूप नहीं है। गंदा को कैसे लिख सकता है? ऐसे लिखेंगे फिर ये सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पांचवें जो व्यंजन है उसको वैसे ही नहीं लिख देते, उसको हमेशा कैसे लिखेंगे? अनुस्वार के रूप में। कैसे लिखेंगे? अनुस्वार अनुस्वार के रूप में। सुंदर को आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा और सुंदर ऐसे भी लिखते हैं, दोनों में से सही मानक कौन सा है? मैम नीचे वाला। नीचे वाला ये मानक रूप नहीं है, लिखा बहुत किताब में बहुत जगह आपको मिल जाएगा, मानक रूप ये है क्योंकि हमेशा जो पांचवा व्यंजन है हर वर्ग का पांचवा व्यंजन वो किस रूप में आएगा? अनुस्वार रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? अनुस्वार रूप में आएगा, जिसे हम जिसका उच्चारण किससे करते हैं? नाक से। नाक जिसका उच्चारण नाक से। समझ में आ गया सबको? याद रहेगा सब? यस मैम। ठीक है, और मानक का अर्थ मैंने क्या बताया था? मानक का अर्थ क्या बताया मैंने? मानक क्या होते हैं? मानक कौन से शब्द होते हैं? जिसे मान्यता दी गई हो, जिसे मान्यता दी गई, जिसे व्याकरण शास्त्रियों ने, जो व्याकरण जिन्होंने बनाया है उन्होंने जिन शब्दों को मान्यता दे दी है उसे हम मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप। ठीक है, तो आज के होमवर्क में आप कहाँ तक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10